स्वागत है आप सभी दोस्तों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्लोक का हिंदी में अनुवाद और संदर्भ कैसे लिखें। दोस्तों, क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में प्रश्न आता है, दोस्तों देख लीजिए, प्रश्न होता है सात का के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और इसके आपको दो नंबर मिलते हैं। दोस्तों, कितने नंबर मिलते हैं? दो नंबर मिलते हैं। और उसी श्लोक को आपको लिखना है जो इस पेपर में पूछा ना गया हो, प्रश्न 6 के अथवा के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं दो श्लोक आपको बताऊंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब यदि यह श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आ गया है, तब आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। यदि आपके पेपर में यह श्लोक आ गया है तो आपको इसको नहीं लिखना है, आपको फिर इसके अतिरिक्त कोई अन्य श्लोक लिखना है सात का प्रश्न के अंतर्गत। दोस्तों, अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि संसार में सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोग हों, क्या हो? निरोग हो, किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें। और मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई दुख का भागी ना बने, और कोई दुख का भागी ना बने। इस श्लोक का यही हिंदी में अनुवाद है। यदि आपके पेपर में यह श्लोक आ गया है तो तब तो आपको इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, और नहीं आया है तब आपको सिर्फ यही श्लोक लिख देना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगला आपका श्लोक है, अगला यदि ये प्रश्न पत्र में आ गया तो एक श्लोक आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आपको दो श्लोक याद होंगे तब आपको आसानी होगी। यदि एक आ गया तब आप दूसरा लिख सकते हैं। दूसरा श्लोक है अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सः पंडिता। इस श्लोक का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यह श्लोक आपके पेपर में आ गया, तब इस श्लोक का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। इस अंश में लेखक ने ग्रामीण द्वारा रखी गई पहेली का उल्लेख किया है। और इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे? हिंदी में अनुवाद आप करेंगे अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, यानी कि उसके पैर नहीं है, अपदो यानी बिना पैर का है किंतु दूर चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चायो जनात सह पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता यानी उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। दोस्तों, आपको दो श्लोक याद होंगे, तब आपको यदि एक प्रश्न पत्र में आ गया तब आप दूसरा लिख सकते हैं। और दोस्तों, आपको दो श्लोक याद होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।